तो आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी, बीटरूट और बेसन की सब्जी। आपने बीटरूट को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया होगा, जैसे उसकी चटनी, पूरी, पराठा या फिर राइस। लेकिन एक बार आप बेसन और बीटरूट की सब्जी भी बना के देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम्स बीटरूट ले लिया है और अब हम इसे छील लेंगे और इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो मैंने इसे चॉप कर लिया है और अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ले ली। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन ले लिया, उसे डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए बीटरूट को डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीटरूट बचा के रखा है। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून अजवाइन डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि डो जो है वो एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए और एकदम सॉफ्ट भी नहीं। नॉर्मल हम रोटी का एक डो बनाते हैं, उस तरीके से हम इसे बना लेंगे। और अब डो बिल्कुल तैयार है और अब हम इससे रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे, हल्का सा प्रेस करते हुए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसमें हम इस तरीके से इसे लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारा ये फोल्ड है वो निकले ना। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 5 रोल बना लिए हैं और अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है रोल्स। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब हम एक एक करके रोल को डालेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और अब जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने बचे हुए बीटरूट को ले लिया है और इसमें 2 टमाटर ले लिया जिसे रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 लहसुन ले लिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब ये रोल्स भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, इसे बड़ा या छोटा। तो मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने पैन पे 1 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 4 लौंग ले लिया है, इसे डाल देंगे। और 1 प्याज जिसे बारीक कट कर लिया है और अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया, वो डाल देंगे। और यहाँ पे जो टमाटर और बीटरूट का प्यूरी हम रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसमें ये रोल्स को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालें, अगर आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, गाढ़ा या पतला, उस तरीके से आप इसमें पानी डालें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए बॉयल होने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, अच्छे से बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा बीटरूट और बेसन की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।